नमस्कार, सत्यात्रा न्यूज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ग्राम प्रधान ने जताया सत्यात्रा न्यूज का आभार। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में विकास खंड 96 के ग्राम सभा बिसहड़ा कला के नव निर्वाचित ग्राम प्रधान चंद्रशेखर कुशवाहा 866 मत पाकर विजयी हुए हैं। चंद्रशेखर कुशवाहा ने बताया, अपनी जीत का श्रेय अपनी माता स्वर्गीय श्रीमती सीता देवी को समर्पित करता हूँ। मैं सभी मतदाताओं का आभारी हूँ जिन्होंने अपना अमूल्य मत देकर हमें ग्राम प्रधान बनाया है। मैं सत्यात्रा न्यूज चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मेरा विज्ञापन चलाया था और विज्ञापन का भरपूर लाभ मिला। शासन की सभी योजनाएं हर वर्ग के लोगों तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, जल और गरीबों के लिए आवास की व्यवस्था बड़े ही लगनपूर्वक करता रहूंगा। जब उनसे पूछा गया कि उनके राजनीतिक गुरु कौन हैं, उन्होंने बताया कि हमारे राजनीतिक गुरु हमारे पिताजी श्री राम आश्रय कुशवाहा जी हैं। राम आश्रय कुशवाहा, चंद्रशेखर कुशवाहा, कृष्ण मुरारी, सत्य प्रकाश बिंद, विनोद कुमार मौर्य, संदीप कुमार, अनिल कुमार, आसेंद्र कुमार, शुभम कुमार, रज्जू अली आदि लोग उपस्थित रहे। सत्यात्रा न्यूज से आशुतोष शर्मा की खास खबर। धन्यवाद। मान जी, आपका परिचय। मेरा नाम चंद्रशेखर कुशवाहा, ग्राम प्रधान भेसरा कला जी। इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आप प्रधान पद के प्रत्याशी थे, तो कैसा रहा आपका रिजल्ट? इस पंचायत चुनाव में मेरा रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा और मैं 171 वोटों से विजयी हुआ और मैंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी श्रीमती सुरेखा चौरसिया को पराजित किया जी। कितने मत आपको मिले थे? 866 मत मिले थे और जिसमें मैं 171 वोट से विजयी हुआ जी। तो ग्राम सभा के मतदाताओं को आप कोई संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने सभी ग्राम सभा के मतदाताओं का आभारी हूँ जी, जिन्होंने कि अपना अमूल्य मत देकर मुझे ग्राम प्रधान बनाया जी। और मैं इस प्रधान पद पर जो मैं विजयी हुआ हूँ, अपने इस जीत को मैं अपनी माता श्रीमती सीता कुशवाहा को समर्पित करता हूँ, जो कि सन 1995 में ग्राम प्रधान पद पर चुनी गई थी, जिस जिनकी अल्पकालिक समय में ही स्वर्गवास हो गया था, जिसकी वजह से ही हम अपने ग्राम सभा का विकास करने से चूक गए थे। लेकिन इस बार मैं अपने मतदाताओं के हर एक आकांक्षाओं पर खरा उतरूंगा और उनकी हर एक कार्यों में मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। ऐसा कौन सा कार्य है कि जिस पे आपको प्रथम दृष्टया फोकस करेंगे? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा हर उन्नति का मूल होता है, तो सबसे पहले मैं शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य और तमाम ऐसी भारत सरकार की योजनाएं हैं जिनको कि मैं हर एक तबके को पहुंचाने का प्रयास करूंगा, जिससे गरीब वर्ग अच्छा खासा लाभान्वित हो, ये मेरा प्रथम फोकस रहेगा। भेसरा कला ग्राम सभा जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा है या क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है? भेसरा कला ग्राम सभा जो है जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के दृष्टि से मध्यम है, न तो बहुत ज़्यादा बड़ा न तो छोटा। तो गरीबों का विकास आप भरपूर करेंगे? जी हाँ, मेरा फोकस ही है गरीबों पर ही और मैं इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ूंगा कि मेरा कोई गरीब भाई किसी भी योजना से वंचित न रह पाए और उसका समुचित विकास हो। तो सत्यात्रा न्यूज चैनल में आपका विज्ञापन चला था, आप हमारे न्यूज चैनल के बारे में कुछ कहेंगे? जी हाँ, सत्यात्रा न्यूज़ पर मेरा विज्ञापन चला था जिससे मुझे बहुत ही लाभ मिला और कहीं ना कहीं मेरे इस जीत में सत्यात्रा न्यूज़ के विज्ञापन का भी हाथ रहा और मैं अपने तरफ से सत्यात्रा न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने कहीं ना कहीं इस विजय में अपना सहयोग प्रदान किया जी। तो मान्यवर, आपका शपथ ग्रहण हो गया है? जी नहीं, अभी मेरा शपथ ग्रहण नहीं हुआ है। जैसे ही शपथ ग्रहण होगा मैं बड़ी ही तेजी के साथ विकास कार्यों को एक नई गति प्रदान करूंगा जी। आपके पिताजी का नाम? मेरे पिताजी का नाम श्री रामाश्रय कुशवाहा। इस जीत में उनकी क्या भूमिका रही? मेरे पिताजी कहीं ना कहीं हमेशा से ही गरीबों के मसीहा के रूप में रहे हैं और हमेशा से ही उन्होंने गरीबों की एक विशेष योजना के तहत मदद की है, हमेशा गरीबों का साथ दिया है और इस जीत में उनका एक अहम भूमिका रहा है, या यूं कह सकते हैं कि यह जीत या एक यह राजनीति मुझे विरासत में ही मिली है जी।